देखिए देखिए ऐसा है कि डेफिनेटली स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है कि पहली बात, एक 3 मिनट के ट्रेलर को देख के लोगों ने रिएक्ट किया है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि फिल्म टोटालिटी में देखनी चाहिए, ना केवल उसको 3 मिनट के ट्रेलर के हिसाब से आप आंदोलन शुरू करो, पुतले जलाओ और इस तरह की चीज़ें करो। दूसरी बात, मुझे लगता है कि फिल्म एक जो एक माध्यम है, एक जिस तरह से कोई आर्टिकल लिखता है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, उसी तरह कोई फिल्म बनाता है, और फिल्म जो होती है वो सेंसर में जाती है, सेंसर उसको देखती है, सेंसर उसके बाद गवर्नमेंट ने गठित किया हुआ एक ऑथराइज्ड बॉडी है उसको देखती है, उसके बाद निर्णय लेती है कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सेंसर होम टू पिक्चर, उसके बाद हम बात करेंगे इस तरह का आंदोलन, इस तरह की जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं, उस तरह का विवाद करते हैं पब्लिसिटी के लिए, ये बहुत गलत है जी। पता नहीं 10-11 जब हमको डेट आएगी, मैं चाहूँगा सेंसर इस पर बहुत ही मॉडरेट रहे और इस फिल्म को टोटैलिटी में देखे, और मैं चाहूँगा कहीं इसके पहलू है, कहीं इसकी ये जो आज की युवा पीढ़ी है, आज की यंग जनरेशन है, उनको ये फिल्म से बहुत ही एक ओवरऑल समरी मिलेगी कि इमरजेंसी क्या था। और मैं चाहूँगा तो फिर हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जो यू नो विवाद मतलब एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था, तो हम तो सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि एज एन एक्टर मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे लिए ये मेरा जो कैरेक्टर है वो तो टोटली फिक्शनल है, और एज एन एक्टर मैं मतलब मुझ पे मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ या किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, तो मेरा कोई पॉलिटिकल वो एजेंडा है ही नहीं इस रोल को करने का। मैं बहुत एज एन एक्टर मैंने इस रोल को चूज़ किया है, इस रोल ने मुझे चूज़ किया है और मुझे उसी की बहुत खुशी है। बाकी मैं आई जस्ट होप दैट थिंग्स डोंट गेट मोर सीरियस एंड बहुत शांतिपूर्वक हमारा रिलीज़ हो जाए, और उसके बाद फिर लोगों को जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, उनके ज़रूर जवाब मिल जाएंगे। पता है जब डेमोक्रेसी में किसी भी इस तरह की चीज़ों को बहुत ही गलत तरीके से इन लोग आंदोलन करके दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी फिल्म हो, बुक हो, किताब हो, मैंने हमेशा कहा है कि मैंने मेरे कलीग्स की, मैंने मेरे साथ जो फिल्म मेकर्स जैसे अपना करण जौहर की फिल्म थी उनके लिए सपोर्ट किया, मैंने उड़ता पंजाब फिल्म थी जिसके लिए आंदोलन हुआ वहाँ मैंने सपोर्ट किया, मैंने हमेशा कहा कि फिल्म को इस तरह से बैंड नहीं करना चाहिए, खास करके जब पिक्चर रिलीज पे आ रही है, जिसका प्रोमो ऐप पे है, जितना पैसा लगा है, किसी की लागत लगी हुई है, पैसा कम हो छोटा उसका ये नहीं है, पैसा पैसा होता है जिन्होंने पैसे लगाए हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों की करियर लगे हुए इसमें, कहीं लोगों के करियर लगे, एक फिल्म बनाने में एक केवल फिल्म मेकर नहीं होता बल्कि उसके साथ 125-150 का पूरा यूनिट होता है, जो चाहे वो 2 सीन के लिए 1 सीन के लिए वो सब उनकी मेहनत उतनी होती है कि हमने 6 महीने रिसर्च किए, 6 महीने हमने इसको शूटिंग में और इसको एडिटिंग में और लगाया, तो पूरी 1.25 साल की मेहनत है इस पिक्चर को। और मेरे ख्याल से इस तरह का आंदोलन किसी भी फिल्म के लिए बहुत ही गलत है। आप किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को तो नहीं रोकते कि आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है नाम लेकर, या किताब जिसने लिखी ऑथर उसको नहीं बोलते हो, आप फिल्म मेकर के ऊपर ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हो, इस तरह का आंदोलन करते हो, बहुत देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि हम जिस तरह से एक प्रचार चल रहा है, जिस तरह से फतवा जाहिर किया जा रहा है कि 1 लाख रुपया हम देंगे मधुब जी का मुँह काला कीजिए, कोई भी हो, मेरे साथ मेरी आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है कीर्ति, और हम जाते हैं जहीं पे भी जाते, अब पता नहीं कौन आके, कोई कार्यकर्ता आके कुछ लगा दावे, कुछ फेंके, कुछ क्या करे, तो डर तो रहता ही है ना, हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे लिए तो कोई जाके आंदोलन नहीं कर रहा है किधर भी, हमारे लिए तो कोई आंदोलन कर, एक्टर इसलिए डरता है पिक्चर के लिए काम करने क्योंकि उसके फैंस होते हैं, उसके कार्यकर्ता नहीं होते, ये डिफरेंस है दोनों में। कार्यकर्ता जाके थिएटर तोड़ देंगे, कार्यकर्ता जाके घर के बाहर आंदोलन करेंगे जैसे कर रहे हैं, पुतला फूंक देंगे, फैंस भी ऐसे नहीं कर सकते ना कि जाके खड़े हो जावे ठीक चल रहा ना ये क्या है, फ़ौरन से फ़ोन आते भाई ज़रा अपना संभालना, अपना देख लेना क्या है बोल के। तो अब तक तो मेरे ख्याल से जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा, मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से लोगों को कि इस तरह का आंदोलन ना करें, पिक्चर को देखे, पिक्चर को समझे, उसके बाद जो आपका आपकी तकरार है हम सुनेंगे, पहले पिक्चर देखने से पहले आप इस तरह का आंदोलन कर रहे हो, ये बहुत गलत मैसेज जाता है जी। तो क्या अभी तक ऐसा कुछ कॉल आया आपको कि भाई आप अपनी फिल्म पीछे लीजिए, मत लीजिए, अब तक का कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, मुझे देखिए, नहीं नहीं देखिए, मुझे देखिए, मेरे रिलेशन सब पॉलिटिकल पार्टी में है, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी, जो मेरी फिल्म होती है, जब मेरे रिलेशन है वो किसी एक पार्टी से नहीं होता है, सबसे है रिलेशन।
तो कुछ वेल विशर्स हैं मेरे कांग्रेस में भी, जो मेरे दोस्त हैं, इतने सालों से दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ये इस तरह का मन मोटा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे नाम बदलने से क्या डॉक्यूमेंट्री में नाम चेंज हो जाएंगे, क्या किताबों में नाम चेंज हो जाएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर मुझे करना है मैं वॉलंटरी कर लूँगा, क्योंकि हमारी फिल्म का सवाल है अल्टीमेटली। इतने लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, सबके करियर जुड़े हुए हैं, हम तो ऐसा नहीं कि साल में 5 पिक्चर बनाते हैं, हम तो 1-1.5 साल में 1 फिल्म बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इतना ये करते हैं, तो हमको उस हिसाब से देखना पड़ता है। किसी का फाइनेंस है, किसी का करियर है, किसी की मेहनत है, ओवरऑल हमको सब एस्पेक्ट को देख के चलना पड़ता है। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इसको पॉलिटिकल इशू करें बोल के, क्योंकि हमारी फिल्म पॉलिटिकल है ही नहीं। अगर होता तो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता 1 घंटे का, 15 लाख में एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती, हम ऐसी फिल्म नहीं बनाते ना। तो हमको ये देखना है कि हमारी पिक्चर, हमारी हीरोइन कीर्ति की कहानी हम कह रहे हैं, जो हमने बार बार कहा है, ये बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी कीर्ति जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसा कि मधुर जी ने कहा कि लोग, तो मैं 100% फिल्म बनाता था एकदम आइडेंटिकल कि भाई ये तो वैसा है, और इस फिल्म को 2019 में रिलीज करता जब इलेक्शन होने वाले हैं पूरे देश में, या 3 महीने पहले जो इलेक्शन गए हैं 5 राज्यों के, उस टाइम इसको रिलीज करता तो मुझे कौन रोक सकता था। तो ये दुष्प्रचार जो कर रहे हैं, ये पीछे से जो बोल रहे हैं, बस किसी को इल्ज़ाम लगा दो, बस उस पर आप प्रूफ करते रहिए, ये इस तरह का एक स्ट्रेटजी है, बिल्कुल गलत है। मेरा हमेशा रहा, अच्छा अब तो मुझे मालूम है कि 6-8 महीने में कोई इलेक्शन ही नहीं है पूरे प्रांत में, मैंने जिस देश में कोई प्रांत करता, तो मैं फिर यह 100% डेडिकेटेड फिल्म बनाता इमरजेंसी पे। तो मैं ये नहीं बोलता कि 30% या 70% जो है हिंदू की कहानी है। तो ये लोग जिस तरह की मानसिकता रख के, इस तरह की जो बातें करते हैं, इनको अपना होमवर्क करना चाहिए पहले, उसके बाद बात करना चाहिए कि एक फिल्म मेकर जिसने इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है फिल्म बनाने का, जिसको ना केवल बॉक्स ऑफिस सक्सेस, राष्ट्रीय पुरस्कार, क्रिटिकल अक्लेम मिला है, उस फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई है। कोई मैं ऐसा नहीं उठ के कल ही आया हूँ, आप जानते नहीं यार ये बंदा कौन है फिल्म बना रहा है, तो आप बोल सकते हैं किसी ने इसको प्रॉपअप किया है, ये कहीं से आया है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें बहुत ही चीप लेवल पे जाती है। एक और सवाल कीर्ति जी और मधुर जी, आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री में, आपने बहुत ही बेहतरीन पिंक लास्ट जो आपकी फिल्म थी, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, आपने ढेर सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी। इंडस्ट्री से क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, देखिए इंडस्ट्री से लोगों ने बहुत ही सराहा, बहुत से मेरी एक्ट्रेसेस ने, बाकी जो अन्य एक्टर है या कहीं अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लोग अलग अलग क्षेत्र में, सब लोग ने इसकी तारीफ की। आपने देखा कुछ पिछले 12 दिनों में इसके 50 लाख व्यूज हुए यूट्यूब में, लोगों ने इसे सराहा, पसंद किया। हालांकि इसके कई फॉरेन क्रिटिक्स ने भी इस ट्रेलर की बहुत ही इसको सराहा, पसंद किया है। तो मेरे ख्याल से ट्रेलर अपने आप में इतना जानदार है कि लोगों ने इससे कहा कि हमको पिक्चर देखनी है, ये है, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डेफिनेटली जब पिक्चर कॉपी रेडी हो जाएगी, सेंसर हो जाएगी, तो हम इंडस्ट्री के तमाम लोगों को, जिनको हमारे वेल विशेज है, और कीर्ति जी के जो वेल विशेज है, जो उनके उनके साथ कलीग्स हैं, उन्होंने काम किया, उनको सबको बुलाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे। मुझे एग्जैक्टली मतलब फीडबैक तो मुझे नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, लेकिन मेरे जो भी फैमिली फ्रेंड्स दूर दूर के जो भी हैं, सब जो भी मुझे मैसेज करते हैं, वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव ही मैसेज होता है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, और एक उत्सुकता है सब में फिल्म देखने की, तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। एंड फिल्म के इस सारी कंट्रोवर्सी के अलावा, अगर फिल्म की अगर मैं बात करूं, लोगों को गाने, लोगों को बहुत ही कव्वाली जो आप दिखाने, बहुत ही अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी कि लोगों ने इसे गाने को सराहा, पसंद किया है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा गाना बहुत ही लोगों ने पसंद किया है। कल ही हमने एक रिलीज़ किया गाना मोनाली ठाकुर का, जो कीर्ति पे पिक्चराइज है, आवाज़ बहुत ही अच्छा है। आने वाला एक गाना है जो दिल्ली की रात, जो बप्पी लहरी साहब ने गाया है, अनु मलिक ने कंपोज किया, एक ट्रिब्यूट है वो, जो आरडी बर्मन साहब को हम देंगे। लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं, कव्वाली दिखाने की जो कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे आप, लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं इसका? हाँ मतलब ओवरऑल जो फिल्म की जो वाइब है वो सब पॉजिटिव ही लग रही है हमें, तो इस जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके अलावा तो सब अच्छा ही चल रहा है अब तक, और आई होप आगे भी अच्छा ही हो।